As I always say that direct stock investing is overrated and mutual fund investing is underrated. The thing is that अगर आपको stock market से पैसा बनाना है तो direct stock investing करना necessary नहीं है. And the fact is guys layman investors के लिए जिनके पास job है, जिनके पास family है, जिनके पास business है and उनके पास time नहीं है, उनके पास expertise नहीं है stocks को choose करने की, numbers को देखने की, portfolio allocation के ऊपर ध्यान रखने की. And अगर इन सारे headaches से अगर आपको दूर रहना है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज द वे टू एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन दिस एपिसोड आई एम गोना डिस्कस सम ऑफ द मिस्टेक्स जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते वक्त करते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए बिकॉज़ ये चीज आपके रिटर्न्स को काफी ज्यादा कम कर रही है सेकंड थिंग आई एम गोना डिस्कस दैट कैसे आप आपके लिए परफेक्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हो बिल्ड कर सकते हो एंड द थर्ड थिंग आई एम गोना डिस्कस इज अबाउट माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दैट कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स मेरे पोर्टफोलियो में एंड किस तरह से मैं अपना पैसा इन सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ सो लेट्स गेट स्टार्ट प्रथिक आई होप यू आर आरिंग वेल एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट मिस्टेक्स गलतियाँ इंसानों से ही होती है बट द थिंग इज दैट अगर आप उन गलतियों से सीख जाओगे तो ये बेहतर होगा एंड ऑल्सो स्टॉक मार्केट में आपको खुद को गलती करके सीखने की जरूरत नहीं है आप किसी और की गलती से सीख जाओ तो आप अपना काफी सारा पैसा भी बचा सकते हो एंड थिंग इज इसके पहले भी मैंने एक म्यूचुअल फंड के ऊपर डिटेल्ड एपिसोड बनाया है जिसके अंदर मैंने काफी सारी ऐसी मिस्टेक्स की बात की है जो मिस्टेक्स में इस एपिसोड में डिस्कस नहीं करने वाला सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आपको ये एपिसोड जरूर चेकआउट करना चाहिए जिसके लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक like बटन के नीचे मिल जाएगी एंड प्लीज लाइक बटन के नीचे आ रहे हो तो लाइक like बटन को प्रेस करना बोलता मत प्लीज द फर्स्ट इन्वेस्टिंग मिस्टेक आई वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू गाइज इज दट काफी सारे इन्वेस्टर्स के मैंने इस बिहेवियर में देखा है दैट जब बुल मार्केट चल रहा होता है जैसे कि राइट ना वो बुल मार्केट चल रहा है एवरीवेर इज ग्रीनरी सबका पोर्टफोलियो हरा रहा है एंड मेरा पोर्टफोलियो भी ऑल टाइम हाई पे चल रहे बाई हर महीने की ग्यारह तारीख को मैं अपना पोर्टफोलियो अपने मेंबर्स के साथ शेयर करता हूं सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन क्लिक द ज्वाइन बटन इन इन डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंबरशिप एक्सेस करने की लिंक मिल जाएगी यू कैन चेक इट आउट बट द थिंग इज दट काफी सारे इवेस्टर्स के मैंने बिहेवियर में देखा है दैट जब बुल मार्केट चल रहा होता है सो दे कंटिन्यू एसआईपी बिकॉज उनका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो भी धीरे-धीरे करके ऊपर चल रहा होता है सो दे आर लाइक वेरी है एंड देर एस आई पी एंड काफी सारे इन्वेस्टर्स तो म्यूचुअल फंड से अपना पैसा भी निकालने लगते हैं एंड इसका आपको टोटल ऑपोजिट करना चाहिए जब बुल मार्केट चल रहा है तो आपको आपकी एस आई पी बढ़ानी नहीं चाहिए बिकॉज आपके पास जो शेयर्स आ रहे हैं आपके पास जो एन आ रही है वो ऊपर के प्राइस पे आ रही है हायर प्राइस पे आ रही है एंड जब बेयर मार्केट चल रहा है तब आपको एग्रेसिवली आपकी एस आई टी और ज्यादा यूनिट बाय करनी चाहिए और ज्यादा एन बाय करनी चाहिए बिकॉज आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर्स मिल रहे हैं बट द थिंग इज हमारा बिहेवियर हमारा माइंड जो बहुत ज्यादा सिली है ये हमें इसका टोटल ऑपोजिट करने में मजबूर कर देता है बट दिस इज द टाइम गाइज जब आपको आपके माइंड को आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना है एंड जब बैर मार्केट चल रहा है इवन दो आपका पोर्टफोलियो रोज गिर रहा है तब आपको ऑल ज्यादा एग्रेसिवली बाय करना है और ज्यादा एग्रेसिवली आपको एस आई पी करते हैं बिकॉज बुल मार्केट विल ऑलवेज भी फॉलोड बाय बैर मार्केट एंड बैर मार्केट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय बुल मार्केट दिस आर दी साइकिल्स ऑफ द मार्केट एंड ये साइकिल्स चलते रहनी है मिस्टर मार्केट ऐसे ही काम करते एंड हम इन्वेस्टर्स को चाहिए दैट हमारा पोर्टफोलियो ऊपर ही जाते जाए मार्केट ऊपर ही जाते जाए

हजार कंपनी है ओके ओवरले गिन लेते सो आपके पास अप्रोक्सिमेटली साढ़े सात सौ आठ सौ कंपनीज है एंड अगर आप साढ़े सात सौ आठ सौ कंपनीज को होल्ड करना चाहते हो तो आप इंडिरेक्टली पूरे मार्केट को होल्ड कर रहे हो एंड अगर आपको पूरे मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इंडेक्स फंड इज द बेस्ट ऑप्शन आपको इंडिविजुअली डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पूरे मार्केट को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप इंडिविजुअली इन in सारे म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग एक्सपेंस रेशियो दे रहे हो बहुत ज्यादा पैसा है मैं आपको बैंक डिटेल्स भेजता हूं मुझे भेज दो अकॉर्डिंग टू मी तीन या फिर मैक्सिमम चार म्यूचुअल फंड इज मोर देन इनफ फॉर एनी इन्वेस्टर आपको इससे ज्यादा म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं है एंड आई नो काफी सारे इन्वेस्टर्स अपने बैंक एंप्लॉयज या फिर एजेंट्स के थ्रू उनके सजेशंस पे इन्वेस्ट करते हैं द फैक्ट इज दैट उन्हें कमीशन मिलता है म्यूचुअल

Now, काफी बार मैंने काफी सारे इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखा है दैट वो किसी एक म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं उसमें एक या डेढ़ साल इन्वेस्ट करते रहते हैं देन दे सी दैट यार ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा या फिर उनका एक्सपेंस रेस बढ़ गया या फिर उनका फंड मैनेजर चेंज हो गया एंड दैट्स वाई दे स्विच टू अनदर म्यूचुअल फंड नाउ अनदर म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं अगेन उनको वही सेम चीज वही सेम प्रॉब्लम्स दिखाई देती है छह आठ दस महीने बाद एंड दे स्विच टू अनदर म्यूचुअल फंड थिंग इज दट कंपाउंडिंग को वर्क करने में टाइम लगता है एंड इस तरह से अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड को एक या दो साल में सेल करते रहोगे तो आप अपना पैसा नहीं बना पाओगे आई हैव सो म्यूचुअल फंड ट्वेंटी से होल्ड किए हुए कौन से आगे हम डिस्कस करोड में बट दू फ्रिक्वेंटली इन एंड आउट होने की जरूरत नहीं है म्यूचुअल फंड से एंड यहां पर इस चीज का फ्रीक्वेंटली म्यूचुअल फंड चेंज करते रहने का एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है इन्वेस्टर्स का दैट उन्हें बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं होता है उनके म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के ऊपर एंड दैट्स वाई लेट्स मूव टू द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एपिसोड जहां पर आई एम कॉन डिस्कस दैट हाउ यू कैन सिलेक्ट द परफेक्ट म्यूचुअल फंड कॉम्बिनेशन फॉर योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सिंपल है बहुत ज्यादा सिंपल है बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको पता लगाना है दैट आप किस तरह के इन्वेस्टर हो क्या आप नो नथिंग इन्वेस्टर हो जिसको कुछ भी नहीं पता म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्टिंग के बारे में स्टॉक मार्केट के बारे में उन्हें बस अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना सेकंडली आर यू अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर जिसको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना बट उन्हें थोड़ा बहुत पता है एंड उन्हें बस इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड थर्डली आर यू एन एग्रेसिव इन्वेस्टर जो ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी है बट उन्हें रिटर्न भी ज्यादा चाहिए एंड ऑफकोर्स इन तीनों केस में आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइज़न है वो पांच साल या फिर उसके ऊपर का होना चाहिए बिकॉज पांच साल से नीचे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इक्विटी इज नॉट द बेस्ट एसेट क्लास फॉर यू सो नाउ लेट से दैट इफ यू आर अ नो नथिंग इन्वेस्टर इनके लिए इन्वेस्ट करना इज लाइक like Cup of tea. अगर मैं नो रहता तो आई वुड सिंपली इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सीधा है सीधा पाथ है सिंपल पाथ है एंड यहां पर पैसा बनता है इंसेप्शन से 15 में बहुत ज्यादा होते हैं पैसा इन्वेस्ट करो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड ज्यादा पैसा देना नहीं है जो भी रिटर्न बन रहा है वो आपका बन रहा है ना कि फंड मैनेजर का या फिर फंड हाउस का बन रहा है बाय द इंडेक्स फंड के ऊपर डिटेल्ड एपिसोड ऑलरेडी अपलोडेड है जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी इंडेक्स फंड इज दस आपको जरूर चेकआउट करें

एंड जो लार्ज कैप फंड है वहां पर आप कम इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इफ यू आर अ मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर जैसे कि मैं डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में ज्यादा एग्रेसिव हूं तो मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में थोड़ा मॉडरेट रहना है सो so, मैं पर्सनली क्या करता हूं दैट मैं लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूं और स्मॉल कैप में कम इन्वेस्ट करता हूं बट मेरे हिसाब से स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप ये तीन म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन परफेक्ट बेट है किसी भी टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए सो नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस एपिसोड जहां पर लेट मी शेयर दैट मैं कौन से तीन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं लेट्स स्टार्ट विथ लार्ज कैप फंड एज आई डिस्कस दैट मेरे पास भी लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप फंड है सो लेट्स स्टार्ट विथ लार्ज कैप फंड नाउ द फैक्ट इज दैट लार्ज कैप कैटेगरी में टॉप हंड्रेड कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन ही आती है सो नाउ जस्ट थिंक दैट अगर आप एक फंड मैनेजर हो एंड आपके पास सौ कंपनीज है जिन सौ कंपनीज में से आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है तीस से चालीस या फिर पचास कंपनीज का जो आपके फंड को बनाएगी और आप होप कर रहे हो होट ये पोर्टफोलियो अच्छे से मार्केट को बीट कर पाएगा सिमिलरली इन ऑपोजिट एक निफ्टी फिफ्टी का इंडेक्स पैसिव फंड है जहां पर एक्सपेंस रेशियो कम है सो यहां पर आपको आपके पैसों को मैनेज करने का खर्चा कम है सेकेंडली ये फंड में भी टॉप थर्टी या फिर टॉप फिफ्टी कंपनीज है हमारे देश की एंड थर्डली यू जस्ट थिंक दैट अगर सौ कंपनीज है एंड सौ कंपनीज में से आपको पचास कंपनीज सिलेक्ट कर दिए तो काफी ज्यादा चांसेस है दैट वो पचास कंपनीज इंडेक्स फंड में भी रहेगी सो so, यहाँ पर लार्ज कैप फंड के फंड मैनेजर को इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंड उनके पास अपने कैपेबिलिटीज़ को शो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है बिकॉज उन्हीं हंड्रेड कंपनीज में से उनको चूज़ करना है एंड एक कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो बनाना है इंडेक्स वाई मैं पर्सनली आईसीआईसीआई के सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ सेकंडली लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लेक्सीपंड एंड अगर हम फ्लेक्सीफंड की बात करें तो एक फंड हाउस बहुत ही ज्यादा फेमस है बहुत ही ज्यादा वेल well नोन है एंड आई पर्सनली ऑल्सो रिस्पेक्ट दिस फंड हाउस एंड डेक्स वाई मैं इस फंड में इन्वेस्ट करता हूँ विच इज पारक फ्लेक्सी फंड फैक्ट इज गाइज दट पीपीएफएस म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है एंड जो मेरी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है वो काफी ज्यादा मैच होती है एंड why आई पर्सनली इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फंड एंड ऑल्सो इस फंड के फंड मैनेजर राजीव ठक्कर काफी लंबे समय से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं एंड जब आप PPFS यूट्यूब चैनल पर जाओगे एंड जब इनके इंटरव्यूज देखोगे इनकी एन्युअल जनरल मीटिंग के वीडियोज देखोगे तो यू विल गेट टू नो दैट किस इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के साथ ये फंड इन्वेस्ट करता है अपने स्टॉक्स चूज करता है अपनी कंपनी चूज करता है एंड मैं पर्सनली इस इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के साथ कनेक्ट करता हूँ एंड डेट्स वाई आई इन्वेस्ट इन पीपीएफएस एंड लेट्स मूव टू द थर्ड स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो हो जाता है एक्सिस स्मॉल कैप इक्विटी फंड नाउ इस फंड में इन्वेस्ट करने का एक सिंपल सा था डट इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा कम है एंड इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वह बहुत ही ज्यादा है जहां पर लास्ट फाइव ईयर्स में इस फंड ने ट्वेंटी टू पॉइंट एट परसेंट के आसपास के सीएजीआर टर्न दिए एंड यू कैन सी निफ्टी फिफ्टी के रर्टन फिफ्टीन पॉइंट सिक्स एट परसेंट है और कैटेगरी एवरेज एटीन पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट एंड ऑल्सो इफ यू सी द एक्सपेंस रेशियो इट इज जस्ट जीरो पॉइंट फाइव फाइव परसेंट बट ए थिंग इज का वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर दट जब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट यू हैव टू दैट आप उस फंड मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो 7 इयर्स या फिर उससे ज्यादा का अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है तो ही आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करो बिकॉज़ यहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है अगर अगर मार्केट क्रैश होता है तो स्मॉल कैप स्टॉक्स सबसे ज्यादा गिरते हैं एंड यहां पर रिस्क ज्यादा है नो डाउट रिटर्न भी ज्यादा है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो बट बी केयरफुल वेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप फंड एंड अदर देन दैट मैंने टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में दो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था जो हो जाता है इलएसएस फंड एंड ये फंड तब से है एंड दैट्स वाई मैंने इन्होंने अभी तक सेल नहीं किया जो हो जाते हैं मिराई एसेट टैक्स सेविंग फंड एंड एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड दोनों एल एस एस फंड है इन दोनों को अगर मैं चाहूँ तो सेल कर सकता हूँ बट राइट नाउ मुझे ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है एंड ऑल्सो मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट भी नहीं है सो so, मैंने इन्हें रखे रखा है एंड विल सी लाइक नेक्स्ट वन और मे बी टू ईयर्स में मैं इन्हें सेल कर दूँगा एंड आई होप ड आपको इस एपिसोड से कुछ ना कुछ सीखने मिलाओ इफ येस प्लीज़ डू लाइक दिस एपिसीसोड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर कोई भी क्वेश्चन या भी कम्प्ले है आप मुझे वहां पर आकर पूछ सकते हैं एंड आई विल भी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई ऑल एंड चल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तब तक लिए टो